अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद अहमद। तो गाइज़, आज मैं आया हूँ गुलशन पार्क में, और यहाँ पे मैं आज घूमने आया था, छुट्टी थी मेरी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चलता हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा चिड़ियाघर है और एक झील है, तो इसका व्यू मैं आपको करवाऊँगा और पार्क का भी व्यू करवाऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं पार्क की व्यू की तरफ और देखते हैं झील और चिड़ियाघर जो इसमें है। यहाँ व्यूवर्स, मैंने आपको बताया था कि मैं झील की तरफ जा रहा हूँ, तो अब मैं झील की तरफ जाने लगा हूँ। झील यहाँ से थोड़ा सा आगे है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मौसम बहुत प्लेजेंट हुआ हुआ है, लाहौर में बहुत अच्छा हुआ हुआ है, और पार्क में भी मौसम बहुत अच्छा है, और एक तो पार्क का व्यू बहुत शानदार है, बहुत कमाल है। तो ये झील मेरे से थोड़ा सा आगे है, मैं आपको व्यू करवाता हूँ झील का। चलेंगे, आइए चलते हैं झील की तरफ। ये देखें व्यूवर्स, ये झील है जो मैंने आपको बताया था झील के बारे में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल झील है। ये देखिए, मैं आपको थोड़े से क्लोज करके दिखाता हूँ। ये पानी इसमें बहुत सारा है, और कश्ती का झूला भी लोग ले रहे हैं। तो बहुत प्यारी झील है और बहुत प्यारा व्यू है। जी हाँ व्यूवर्स, झील का व्यू मैंने आपको कराया था। ये देखें, बैक से भी आपको मेरी शायद झील नज़र आ रही होगी। तो झील का व्यू मैंने दिखाया था, लोग झूले ले रहे हैं कश्ती में, तो बहुत कमाल का व्यू था। और अब मैं पार्क में दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर चिड़ियाघर और ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज संडे नहीं है, फिर भी फैमिलीज़ का रश है। अमूमन तो ये होता है कि संडे वाले दिन रश होता है, लेकिन आज भी रश है, लोग आए हुए हैं, क्योंकि लाहौरी ऐसे ही होते हैं, पिकनिक के लिए मौका तलाश करते हैं और वो घूमने चले जाते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, लाहौरियों का तो मैंने आपको बताया था कि वो घूमने आए हुए हैं, और मैं भी घूमने आया हुआ हूँ। और ये मेरी बैक साइड पे एक मोरों का, जिसमें मोर हैं काफ़ी सारे, उनका एक मिनी सा चिड़ियाघर बना हुआ है। मैं आपको व्यू करवाता हूँ, मोर दिखाता हूँ आपको। तो आइए चलते हैं, मोर देखते हैं, और आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। बहुत कमाल का व्यू है और बहुत शानदार व्यू है। इंशाल्लाह आपको देखकर मज़ा आएगा, मेरे साथ रहिएगा पूरे व्लॉग में। मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी और चीज़ें मज़े की, यहाँ पर हिरन भी हैं, वो भी दिखाऊँगा आपको, और भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊँगा। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि मोरों का व्यू मैं आपको दिखाने लगा हूँ, मोर का। ये देखेंगे ये कैसे उड़ रहा है, तितर है शायद, जी तितर है। बहुत ही कमाल व्यू है, ये खेल रहे हैं इस टाइम। तो ये मोर मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मोर ऊपर चढ़ा हुआ है और चल रहा है, और ये इसके साथ वाइट मोर भी है शायद, ये भी बहुत प्यारा है। बहुत ही कमाल व्यू है। आप भी आएँ कभी गुलशन पार्क में, अगर नहीं आए तो विज़िट करें, ये बहुत मज़े की चीज़ है। करीब मतलब कि एक अच्छा तफरी का माहौल यहाँ पर आपको मिलेगा देखने में, और बहुत ही कमाल का व्यू है, बहुत शानदार पार्क है, आप आएँ और विज़िट करें। यहाँ पे मैंने आपको व्यू दिखाया था चिड़ियाघर का, जो कि बहुत मतलब कि नाइस था, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मोर जो थे उसमें बहुत नाइस थे, और मतलब के जो वाइट मोर था वो भी बहुत अच्छा था, उसमें तितर और बटेर भी थे, वो भी बहुत शानदार थे। तो अब मैं जा रहा हूँ हिरनों वाली साइड पर, जहाँ पर हिरने हैं, हिरन हम देखते हैं। तो ये भी कहते हैं ना कि लड़की की अगर, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, तो कहते हैं तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी हैं। तो यहाँ पे मतलब के वो माहौल भी बहुत ज़्यादा है, वो माहौल मतलब ग्रासी माहौल, और ज़्यादा कुछ नहीं समझना, क्योंकि लड़कियों से दूर ही रहें और अपना काम करें तो ये बेहतर होता है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं यहाँ पे हिरनों के पिंजरे वाली साइड पर पहुँच गया हूँ, जहाँ पर हिरने रखी हुई हैं, और बहुत सारी हिरने हैं, बहुत कमाल लगती हैं। मैं आपको व्यू करवाता हूँ, तो ये देखें आप, मैं आपको व्यू करवाता हूँ हिरनों का, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा, देखें ज़रा। और आज हमने पार्क में और भी बहुत सी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट व्लॉग है गुलशन पार्क में। ये गुलशन पार्क है जो कि इकबाल टाउन में है, ठीक है, और बहुत ही प्यारी पार्क है। मतलब कि मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा है, मैं बहुत आता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर मेरा व्लॉग जो है वो फर्स्ट है। और उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग मेरा वायरल भी होगा और आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे। देखें, आप सबकी सपोर्ट से ही मैंने आगे बढ़ना है और मेरे चैनल ने ग्रो करना है, तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरी गलतियां भी जो भी होती हैं, तो उसमें ज़रा मतलब के आप अवॉइड किया करें और व्लॉग को इंजॉय किया करें। इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी व्लॉग्स बनाने का हौसला बढ़ेगा और मज़ा आएगा व्लॉग बनाने का, ताकि मैं आपके साथ मज़ीद अपने व्लॉग्स शेयर करता रहूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करते रहें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ व्यू हिरनों का। हिरन काफ़ी यहाँ पर हैं और उनका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप हिरने, ये पिंजरे में है, क्योंकि इसलिए रखी है कि भाग ना जाएं,
और बहुत ही मतलब के सींगों वाली हिरने भी हैं और बगैर सींगों वाली भी हैं। तो ये काफ़ी सारी हैं, ये देखें व्यू आप देख रहे हैं, बहुत के मतलब के शानदार सा व्यू है और बहुत ही मज़े की हैं। अभी तक मैंने खा कर तो टेस्ट नहीं की, लेकिन सुना है इसका गोश्त भी बड़ा मज़े का होता है, तो कभी मौका मिला तो खाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ये व्यू है हिरनों का, और अब आगे चलकर मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ जो कुछ यहाँ पे देखने लायक को हैं। आइए चलते हैं आगे। ये हिरने तो आपने देखी हैं, ये पिंजरा आप उनका देख रहे हैं। ये अब मैं हिरनों वाली साइड से दूसरी तरफ आ गया हूँ, यहाँ भी थोड़ी हिरने खड़ी हुई हैं। आइए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू यहाँ का भी आपको, बहुत मतलब कि यहाँ भी बहुत अच्छा एरिया है और यहाँ पर एक तरफ फुटबॉल का मैच भी हो रहा है, वो व्यू मैं आपको करवाता हूँ कि यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है पार्क के अंदर ही, वो भी देखें आप ज़रा। मैं अभी इस एरिया की जानब आया हूँ, यहाँ पे जो छोटा सा फील्ड मतलब कि छोटा सा एरिया बना हुआ है फुटबॉल के लिए, तो आइए चलते हैं उस एरिया की तरफ और बच्चों को देखते हैं फुटबॉल खेलते हुए। तो आप भी देखें, इंजॉय करें मेरे ब्लॉग को। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस एरिया की तरफ। ये देखें आपका बच्चों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मतलब के खेल रहे हैं फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल में वैसे ही पाकिस्तान बहुत पीछे है, फीफा की रैंकिंग में बहुत पीछे है, तो इन बच्चों को देख कर बहुत खुशी हुई कि ये मतलब कि इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो हमारे मुल्क में जो क्रिकेट है उसका माशाल्लाह से बहुत पैशन है, हर बंदा क्रिकेट देखता है और क्रिकेट खेलता है, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आइए मैं थोड़ा क्लोज करके ये फील्ड का, बच्चों की जो फुटबॉल फील्ड है उसका थोड़ा व्यू करवाता हूँ, आप देखें। जी हाँ व्यूअर्स, ये देखें फुटबॉल एक बच्चे की बाहर आ गई है। तो ये अगर वो मतलब कि मैं उसे देने लगाऊँ, ये इंजॉय करें, तो ये मतलब कि उनकी कोच भी मतलब अंपायर जो रेफरी जिसे कहते हैं वो भी है, पूरा व्यू है और बहुत अच्छा मतलब कि लग रहा है यहाँ पर आकर ब्लॉगिंग करने का, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप भी आया करें यहाँ पे गुलशन पार्क में, मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है और ये बहुत अच्छी प्लेस है। तो आइए थोड़ा सा आगे चलकर मैं व्यू करवाता हूँ, इसका व्यू तो किया बहुत शानदार था, अब आगे चलते हैं। बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए मैंने आपको दिखाया मतलब कि वो बहुत कमाल का व्यू था यहाँ पे। अब आगे मैं थोड़े से और जो व्यूज़ मैंने अपनी ब्लॉगिंग में कैप्चर करने हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत ही मतलब कि अच्छा लगा ब्लॉगिंग करने में यहाँ पर आकर। आज मैंने छुट्टी तो कर ही ली थी, तो सोचा मैंने कि किसी अच्छी जगह पर जाकर व्लॉग करते हैं, काफ़ी दिन से घर में व्लॉग बनाकर बहुत तंग आ गया था, तो यहाँ पे मैं आया हूँ आज व्लॉगिंग के लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चलता हूँ फन लैंड की जानिब जहाँ पर झूले वगैरह हैं, वहाँ भी देखते हैं वहाँ पे क्या क्राउड है और क्या सीन है। चलाइए चलते हैं उस साइड पे। यार उस साइड पे तो मैं जा रहा था, तो जाते जाते मुझे रस्ते में याद आया कि यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी भी बनी हुई है, तो वो पहाड़ी का व्यू भी मैं आपको करवाता हूँ। तो उससे पहले वहाँ उस साइड पर फन लैंड की जानिब जाने से पहले हम पहाड़ी का व्यू कर लेते हैं कि वो कैसा है, पहाड़ देखते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उसका व्यू लिए भी, तो वो देख लेते हैं कि पहाड़ का व्यू लेते हैं ऊपर चल के और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि उसका व्यू कैसा है। यहाँ पे मतलब कि इन्होंने तालाब वगैरह बनाया होता था, यहाँ पे पानी चलता था जो कि अब इन्होंने बंद किया हुआ है, तो थोड़ा ये सुनसान सा लग रहा है। और ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ऊपर, यहाँ पर ये दो लड़के शूट भी कर रहे हैं, यहाँ हम भी चलते हैं और ऊपर जा कर देखते हैं सीढ़ियाँ चढ़ करके कैसा लगता है। चलाइए चलते हैं ऊपर का व्यू करते हैं थोड़ा सा। बस मैंने आपको बताया था ऊपर चलकर हम व्यू करते हैं, तो आइए चलते हैं ऊपर। जी हाँ व्यूअर्स, मैं सीढ़ियों के पास आया हूँ। ये सीढ़ियाँ आप देखें कैसी मतलब कि दुश्वार सी सीढ़ियाँ, जैसे पहाड़ी इलाके में कलर खार या इस साइड पे जो पहाड़ होते हैं उस तरह की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पहाड़ी टाइप बनाई हुई है। तो चलिए ऊपर चल कर देखते हैं कैसा लगता है। ये देखेंगे मैं मतलब कि ऊपर आ गया हूँ सीढ़ियों के, और यहाँ पे इन्होंने ये कुछ बनाया हुआ है जैसे वो आर्मी में मोर्चा टाइप नहीं होता, वैसे उस तरह का उन्होंने व्यू बनाया हुआ है। तो ये इधर देखकर इधर आइए ऊपर आए, थोड़ा कैमरामैन अगर क्लोज करके ले आए, तो यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा पार्क का व्यू करवाता हूँ, कैसे आपको शानदार लगता है अगर मैं कैमरा क्लोज करके आपको थोड़ा सा पार्क दिखा सकूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा व्यू ऊपर से करें, यहाँ पर पार्क का बहुत शानदार लग रहा है। ये शाम का टाइम है, सूरज ग्रूब होने का टाइम है, तो ये भी मतलब कि बहुत कमाल सीन लग रहा है और वेदर भी आज प्लेजेंट था, लाहौर में बहुत अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ का मैंने व्यू करवाया, आप कुछ थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको व्यू करवाता हूँ कैसा लग रहा है। उससे बहुत प्यारा व्यू था जो मैंने आपको दिखाया, मैं खुद भी चला हूँ सीढ़ियों पर, बहुत मज़ा आया सीढ़ियों पर चल कर, और सीढ़ियाँ उन्होंने उस टाइप की बनाई हुई थी पहाड़ी टाइप की,
तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एरिया है, और यहाँ पे आया करें। ये है कि इंसान फ्रेश हो जाता। जी हाँ व्यूवर्स, मैंने आपको मतलब के बहुत से व्यू दिखाए, अभी फन लैंड नहीं दिखाया, झूलों वाली साइड जहाँ पे झूले हैं। तो यहाँ भी मतलब कि ये मेरे पीछे वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है जहाँ पे लोग वॉक भी कर रहे हैं, और वॉक भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लोग मॉर्निंग टाइम में भी करते हैं, इस टाइम भी लोग फ्री होते हैं, जो कि अभी हमें काफ़ी लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फन लैंड का भी मैंने आपको व्यू करवाना है, उस साइड पे भी चलते हैं। व्यूअर्स मैं अब आ गया हूँ फन लैंड वाली साइड पे, और उसका व्यू मैं आपको थोड़ा सा पहले करवा देता हूँ क्लोज करके। और व्यू बहुत शानदार है, झूले लोग ले रहे हैं, आवाम बहुत आई हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग आज संडे को मतलब के रश होता है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा रश है। तो पहले मैं आपको व्यू करवा देता हूँ थोड़ा सा झूलों का। जी हाँ व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत प्यारा व्यू है। ये सामने ड्रैगन बोर्ड जो झूला है, इसको शायद ड्रैगन बोर्ड ही कहते हैं, ये चल रहा है। इसके पास जाकर भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, लोग मतलब के फन से झूले ले रहे हैं, और ये दूसरे झूले हैं, और ये देखें आप, बहुत कमाल व्यू है। तो आइए चलते हैं वो ड्रैगन बोर्ड वाले झूले की तरफ, उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। बहुत मतलब के यहाँ पे शानदार व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है, और ये सुपर कार एरिया भी मतलब के यहाँ पे झूला है, मैं आपको उसका भी व्यू करवाता हूँ। ये देखें आप, ये भी बहुत कमाल झूला है, बहुत मतलब के मज़ा आता है ये लेने में, बहुत मतलब के मैंने भी बहुत इंजॉय किया इसमें, आप देखें। जी हाँ व्यूअर्स, ये मतलब के सुपर कार एरिया है जहाँ पे सुपर कार्स है, मैंने आपको बताया था, मैं इसका व्यू करवाता हूँ। तो ये इसका व्यू है, अभी ये बंद पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा, तो आइए चलते हैं दूसरे झूले के पास। देखा था आपने मतलब के ये अभी खाली पड़ा हुआ है और बंद पड़ा हुआ है, अभी मेरे ख्याल में सब झूले ही बंद पड़े हुए हैं। तो व्यू मैंने आपको कराया, बहुत ही मज़े का व्यू है, और आज मैंने बहुत आपको मतलब के काफ़ी व्यू करवाया। तो यहाँ व्यूवर्स मतलब के अभी मैं चल के बैठता हूँ, तो कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं। और फन लैंड का भी मैंने आपको व्यू करवाया, उससे पहले झील का भी व्यू करवाया, और मोरें भी मैंने आपको दिखाई हैं, और उसके बाद मैंने आपको हिरन्स भी दिखाई हैं, फुटबॉल का मैच भी दिखाया है, तो काफ़ी कुछ दिखाया है। अब थोड़ा थक गया हूँ, तो चल कर कहीं बैठते हैं और थोड़ा बैठ कर बात करते हैं, बैठने की जगह ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। तो मैं चल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जगह, तो आप मेरे साथ ही रहें, अभी व्लॉग का एंड नहीं हुआ, तो फिर देखते हैं फिर क्या करना है आगे। यहाँ व्यूअर्स, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो यहाँ पे एक क्राक्रम एडवेंचर क्लब नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एक आप देख रहे हैं लॉन्ग सा मतलब के जिप लाइन जिसे कहते हैं, ये झूला है। तो इसका मतलब कि मैं आपको ऊपर चल कर व्यू करवाता हूँ, चलते हैं ऊपर, देखते हैं इसका व्यू लेते हैं, और इनसे जो ऊपर कुछ लोग हैं शायद ये क्लोज करके आपको दिखाऊं तो शायद नज़र भी आ रहे हो, तो इन लोगों से बात करते हैं ये ऊपर क्या कर रहे हैं, और ये झूला कैसे ऑपरेट होता है, और जो झूला लेता है वो कैसे इंजॉय करता है। चलाइए चलते हैं गाइस। व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं मैंने सेफ्टी हार्नेस बेल्ट जो है ये पहन लिया, और इसको पहन कर ऊपर चलते हैं, और ऊपर जाकर इसका व्यू करते हैं जिप लाइन का। तो आज हम भी ट्राई करते हैं जिप लाइन लेने में, कितना मज़ा आता है और कितना डर लगता है। ये देखिए, ये मेरे पास इसका वो झूला लेने के लिए जो स्पोर्ट है, वायर है, वो भी लगा दी गई है। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर का व्यू आपको दिखाऊंगा जिप लाइन लेते हुए, कि मज़ा आता है या डर लगता है। चलें चलते हैं गाइस ऊपर। ये मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ और आधी चढ़ रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ऊंचाई पर आ गया हूँ, तो अभी हाफ हुआ है ये और आधा रहता है, तो अभी वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और चढ़कर फिर ऊपर जिप लाइन लेते हैं, तो देखते हैं इसका कमाल का व्यू, और ये भी देखते हैं डर कितना लगता है लेते हुए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो दुआ कीजिएगा मुझे डर ना लगे और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहे। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैं मतलब के इसके जिप लाइन के ऊपर आ गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, पहले तो ऊंचाई देखकर ही डर लग रहा है, और ये भाई मेरे साथ जो ऑपरेट करते हैं उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि मतलब कि इसमें कितना ज़्यादा डर लगता है और कितना मज़ा आता है और ये कैसे ऑपरेट होता है, पहले हम थोड़ी सी उसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बात करते हैं भाई से, आइए चलते हैं। मेरे साथ ये भाई खड़े हैं जो इधर ऑपरेट करते हैं जिप लाइन को, इनसे पहले नाम पूछते हैं। जी हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमार अली। अमार अली, अमार अली भाई आप कहाँ से हैं, लाहौर से हैं, कौन सी सिटी से हैं? मैं जी इधर लाहौर का ही। तो आप मतलब कि कितने अरसा से ये झूला ऑपरेट कर रहे हैं और क्या मतलब कि आपका एक्सपीरियंस है, तो कितना डर लगता है इसको मतलब कि लेते हुए और कितना मज़ा आता है, थोड़ा सा हमें बताएं। 7 साल से मैं इधर हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, हाथ छोड़ के जाएं जैसे मर्जी जाएं, इसीलिए हैंड फ्री करके जाएं, कोई इशू नहीं है जी। तो ये जो मतलब कि मैंने पहना हुआ है ये फुल सेफ्टीड है जी? ये
यहाँ का नहीं है, बहुत प्रोफेशनल है, बेफिक्र हो के इजीली जा सकते हैं आप, हैंड फ्री करके वीडियो बना के ले। ठीक हो गया, चलिए चलते हैं। हम अमार भाई से कहते हैं वो हमें स्टार्ट करे झूला देना और हमारी जिप लाइन जो है वो स्टार्ट करे, हम स्टार्ट करते हैं। चल आइए गाइस, इजीली होके जाएं, बस सब बच्चे लेडीज जेंट्स हर कोई जा सकता है। जी हाँ, देखा इन्होंने बताया, अभी मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है, तो चलिए चलते हैं। जिप लाइन देखे, बहुत कमाल का झूला है, आज मेरे फर्स्ट टाइम लिया तो ये मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पहले मुझे बहुत अजीब लगा था। ये देखिए अब व्यू क्या शानदार व्यू है, बहुत मजा आया आज के ब्लॉग में, और ये जिप लाइन मैंने किया तो उसके बाद इसको जिप लाइन कहते हैं। आप भी आए यहाँ बैठे आए करें और झूला लें। ये अब मैं पहुँच गया हूँ, एंड हो गया, तो अभी ये भाई ने रोक लिया झूला और यहाँ पे उतरना है, तो बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया और बहुत शुक्रिया। अब मैं नीचे उतरने लगा हूँ, ये खोल कर जो मैंने पहना हुआ बेल्ट, ये भाई उतारेगा, ये ये आपको दिखाएंगे भाई कैसे उतारते हैं और मतलब कि इनसे भी बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। कैसे हैं आप? ठीक है। कितने साल से ये ऑपरेट कर रहे हैं आप झूला, और मतलब कि क्या इसके लोगों को कैसा फ़न होता है? लोग डरते भी हैं? बहुत ज़्यादा डरते हैं मगर इंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हैं। जी हाँ गाइस, आज मैंने भी लिया, पहले डर लगा था लेकिन इतना डर कोई नहीं लगता, तो बहुत मजा आता है। आप भी आके बहुत इंजॉय करते हैं लोग। आप भी आकर इंजॉय करें, ये बहुत अच्छा है गुलशन। जी हाँ व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आके जिप लाइन लिया और यहाँ पे आके जो लाइटिंग है वो बहुत लो हो गई है, तो अब मतलब कि व्लॉगिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा। यहीं पे मैं एंड करता हूँ अपनी व्लॉग का और आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको यकीनन आज के व्लॉग में बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मज़ीद भी मेरे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।